आज के इस वीडियो में मैं आपको 20,000 एएच का मोबाइल पावर बैटरी बैंक बनाना बताऊंगा। तो हमें इसके लिए एक लैपटॉप की पुरानी बैटरी चाहिए। अगर दोस्तों ये आपके पास नहीं है तो ये मार्केट में स्क्रैप वाली पुरानी बैटरी 70-80 रुपए के आसपास मिल जाएगी ये लैपटॉप वाली दुकान पर। अब इस बैटरी को हम ओपन कर लेंगे। हमें केवल 2 सेल चाहिए, 3 की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक सेल में 3.7 वोल्ट है। ये समांतर क्रम में दोनों जुड़े हुए हैं, 3.7 वोल्ट है इसमें। तो शुरू करते हैं, हम इन सेलों की प्लस और माइनस साइड चेक करेंगे कौन सी है। तो हम अपना मीटर ऑन करेंगे और 20 वोल्टेज पर सेट करेंगे। अब हमने ये मल्टीमीटर इस पर कनेक्ट किया, अब ये -4.08 बता रहा है, तो इसका मतलब ये उल्टे कनेक्शन हुए हैं। ये माइनस आ रहा है ना, ये माइनस नहीं आना चाहिए। अब ये माइनस हट गया, इसका मतलब ये प्लस का है, रेड वाली पिन जो है। ये माइनस और ये प्लस, ऐसे इसको चेक करेंगे। ये 390 के करीब बता रहा है, 3 वोल्टेज 90 के इसमें ये प्लस वाले आगे की साइड है। और ये माइनस का है। अब हम इसको इस तरह का से धरेंगे कि एक साइड इसकी प्लस की आ गई और एक साइड इसकी माइनस की आ गई। अब हम प्लस और माइनस को पेस्ट कर देंगे। अब जी हमने सीरियल बना दिया, जहाँ प्लस और माइनस पर पिन लगाएंगे, 8 वोल्टेज करीब दिखा रहा है। तो हम 8 वोल्टेज से मोबाइल पावर बैटरी बैंक बनाएंगे। और यहाँ देखेंगे तो 3 वोल्टेज का था, और ये उसका सीरीज बन गया, माइनस प्लस। तो ये प्लस की साइड आ गई हमारे लिए और ये माइनस की। इन्हें यहाँ टेप से चिपका देंगे। हमें 7-4 की 2 बोर्ड सीट चाहिए, इन पर हम निशान लगा लेंगे। अब हमने ये 2 सीट के टुकड़े कर लिए ऐसे, और इस निशान से हम काट लेंगे इसकी
साइड की दीवार बनाने के लिए।